तो हेलो गाइस, व्हाट इज अप भाई लोग, मैं विजन में फिर एक बार आ गया एक नया वीडियो लेके। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि आज भी मेरे पास बहुत सारा न्यूज़ है और स्टोरीज है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे नया है तो लाइक करके बेल आइकन जरूर पे कर दीजिएगा। चलो शुरू करते और हम लोग स्ट्रीम करेंगे शाम में, जरूर ज्वाइन हो जाना। चलो फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो सोक FF के बारे में आ रहा है, जिसके बारे में मतलब एक एक्सपोज वीडियो निकाला है सनबे करके। तो ये एक्सपोज वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो एक्सपोज वीडियो कवर जो है न्यूज बॉय ने किया था। तो ये एक्सपोज वीडियो में क्या बोला है सनबे ने कि सुक FF जो है वो पहले आता था सनबे के पास और आके कुछ सपोर्ट मांगता था और कुछ स्पॉन्सरशिप मांगता था। दोस्तों स्पॉन्सरशिप 25,000 के ऊपर स्पॉन्सरशिप का वीडियो डाल के फिर वो बाद में वो वाला वीडियो डिलीट कर देता है, और कुछ भी प्रमोशन का वीडियो जो भी कम्युनिटी पोस्ट में डालने का कहते हैं पैसे के मतलब पैसे लेके, तो वो वीडियो पैसे लेने के बाद कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही मिनट के बाद या डिलीट कर देते हैं। तो इसके बारे में पूरा वीडियो डाला है सनबे ने, तो आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और बताया कि कैसे उसने फेक प्रैंक वाला वीडियो निकलता है, जो भी फेक प्रैंक करता है उसके ऊपर, तो पूरा वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और सुक FF ने इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कुछ ये कहा कि देख सकते हो कि न्यूज़ बॉय कितने पैसे में सेटल किया है और इसके बारे में स्टोरी में पहले डाल दिया है, फिर भी यार उसको मतलब स्टोरी देने के लिए पिंग मैंने DM किया लेकिन अभी तक तो नहीं दिया, नेक्स्ट न्यूज़ में मैं जरूर डाल दूंगा क्या क्या बोला है सुक FF ने। तो आप जाके वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ जरूर है देसी गेमर की तरफ से, तो देसी गेमर की तरफ से दो न्यूज़ आ रहा है। तो देसी गेमर कल जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो बहुत लोग बोले कि आप रैंक पुश करने वाले हो, इस बार ग्रैंड मास्टर जाने वाले हो कि नहीं। तो इसके ऊपर देसी गेमर ने क्या रिप्लाई दिया देख सकते हो। और गाइस देसी गेमर AS के बारे में भी रिप्लाई दिया है कि देसी गेमर के बंदे मतलब बहुत लोग देसी गेमर का नाम यूज़ करके फेक बंदे को मार के देसी गेमर का नाम लोगो ये सब यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर भी देसी गेमर क्या क्या बोला आप सुन सकते हो, तो आप लोग देख लो देसी गेमर का दो वीडियो। भाई हीरोइक कब कर, अरे अपने हीरोइक में फिर से करूंगा ना पागल, अब न्यू रैंक सीजन आ रहा है, रात भर खेलने का समय आ चुका है, रात भर जागने का समय, अजीब ऐसी झगड़ा करने का समय नहीं आएगा। लास्ट टाइम झगड़ा हो गया था पता है, अजीब बोलते मेरे को कवर नहीं दिया, मैं बोलता हूँ तुम ओपन में जाते हो, अजीब बोलते तुमको खेलना नहीं आता, मैं बोलता हूँ हाँ तुमको ही आता है, हमको कुछ नहीं आता है, लगाओ ना। मेरे को एक बार बोलते मेरे को एक बार टोंडे ने डाला था, वो मेरे साथ ही था, मेरे को पता था, मैंने कुछ नहीं बोला ठीक है वैसे ही है। एक बार टोंडे ने डाला था, वो भी रैंडम खेला था, मैं भी रैंडम खेला था भाई, क्या किस्मत मेरा। तो वो सब ठीक लगता है ना, लेकिन फिर भी आप जितने भी क्या कर लो बट अब मत करो यार, ये सब अच्छा नहीं लगता, सच बोलते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो गाइस नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रहा है वो अनग्रेजुएट गेमर की तरफ से। तो अनग्रेजुएट गेमर इंस्टाग्राम में स्टोरीज डाल के बताया कि आने वाले दिनों में शॉर्ट फिल्म और कुछ व्लॉग आने वाले, तो मैं उसका पोस्ट दिखा दे रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रहा है फोर अननोन की तरफ से, तो फोर अननोन का वीडियो ऑलमोस्ट सब लोग देख ही चुके हो, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें फोर अननोन के जो लीडर है उसने बताया कि कैसे मतलब गैरेना वालों ने हिंसा भी किया है, कैसे उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया टूर्नामेंट में से। तो पूरा वीडियो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके ऊपर ज्ञान गेमिंग और रोमियो गेमर ने बहुत सारा रिएक्शन दिया है, बहुत सारे ऊपर के ऊपर बात किया है, तो आप लोग देख सकते हो। पहले मैं ज्ञान गेमिंग का दिखा दे रहा हूँ, फिर रोमियो गेमर का भी देख सकते हो। वीडियो को अगर मैं जस्टिस फॉर फोर अननोन, भाई पूरा फ्री फायर को भाई बैन कर दो यार, उनको उनको जस्टिस क्यों दिला यार, पूरा गिराने की भाई चीज ही खराब है यार, मैं तो पूरा सख्त खिलाफ हूँ भाई यार, गिराने की कोई भी रूल है खराब हो, हर चीज में मैं भाई अलग हूँ उनसे, भाई मेरे को गिराने से लेना देना नहीं है, पता नहीं क्या हुआ जस्टिस लिख रहा है, मैं तो भाई 7 दिन से मेरा तो अलग ही चल रहा है। भाई जस्टिस फॉर फोर अननोन, भाई देखना तुम्हें गाइस एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी आदत दुनिया को दिखाकर काम करने की नहीं है, ठीक है, तुम बोलोगे मैं प्रूफ अभी भी कर सकता हूँ कि मैंने बात करी है ऊपर गैरेना में, और इवन मैं ही नहीं काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा बट जिससे पर्सनली मेरी बात हुई है इस बारे में, वो भी इस मुद्दे पे बात करेंगे, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, आज करें या कल करें लेकिन करेंगे ज़रूर, लेकिन कोई भी ये चीज़ दिखा के नहीं करता लोगों की तरह, आप ये बात को समझो भाई। कल एक बंदे ने मेरे को स्टोरी पे टैग करा था कि तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ईस्पोर्ट्स संभालो, पहली बात तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईस्पोर्ट्स को संभालूंगा, भाई अपना उतना लेवल नहीं है कि अपन ईस्पोर्ट्स संभाल सके, ये बात मैं आपको चीज़ एक क्लियर कर दूं, ठीक है, और ऊपर से दूसरी बात ये कि अपन बता के कभी काम नहीं करते कि अपन ये अच्छा काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को गिनवाएंगे कि हमने ये करा है हमने वो करा है। वो बंदे को मैंने लिटरली स्क्रीनशॉट भेजे, कोई एक बंदा था उसके बाद मैंने खैर उसे ब्लॉक भी मार दिया, शायद उसका नाम UZ ऐसे कुछ करके था, UZ गेमर ऐसे कुछ करके था, उसने मेरे को स्टोरी पे टैग करा था, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिखाए थे, मैंने कहा भाई तू, उसने मेरे को कहा कि अब तुम कहाँ गए, तो उस मैसेज मतलब उस स्क्रीनशॉट वगैरह उससे पहले मतलब जिसने मेरे को स्टोरी पे टैग करा था उस सीन से एक घंटा पहले ही मैं गिरीना पे मैसेज कर चुका था ये बात को लेकर, जब मैंने वीडियो देखी थी, शायद वीडियो को आए हुए उस वक्त यूट्यूब पे कितना 40 मिनट्स हुआ था मेरे ख्याल से 41 मिनट, तो मैंने पहले पूरा वीडियो देखा उनका और फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई बंदे एकदम सही बोल रहे, तब जाके मैंने दोनों एडमिन को वीडियो भेजा।
तो गाइस नेक्स्ट जो न्यूज़ है टोटल गेमिंग की तरफ से, तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया कि टोटल गेमिंग कैसे फेस रिवील किया था, या ट्विटर में बताया फेक फेस रिवील जो भी किया था, तो उसके ऊपर टोटल गेमिंग ने रिएक्शन दिया। मतलब जब सब लोग डिसलाइक कर रहे थे तो स्ट्रीम के एंड में तो टोटल गेमिंग ने कुछ ये बोला यार सॉरी बोला और कुछ रिएक्शन दिया। आप लोग देख सकते हो टोटल गेमिंग ने क्या बोला इसके ऊपर। ये तो गलत बात है ना भाई लोग, मैंने बोला था तुम लोगों को यार 2 लाख लाइक का बोला, तुम लोग ने 2 लाख लाइक करवा दिया होता तो मैं करवा देता ना, मैंने झूठ नहीं बोला था। मतलब फन भी होगा या जो भी होगा यार, बट एक टारगेट जो होता है वही भी तो, वो भी तो मैंने ना भाई। तुम लोग अब मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो यार, ये गलत बात है। सॉरी गाइस यार, आई एम रियली सॉरी 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 सॉरी। तो गाइस नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रहा है वाले एएस गेमिंग की तरफ से, तो एएस गेमिंग की तरफ से मेरे तरफ 2 न्यूज़ आ रहा है। तो एएस गेमिंग कल जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो मतलब लाइव स्ट्रीम में बताया कि एक जो बंदा है उसका मतलब फ़ोन करके मैसेज करके कुछ ये बोल रहे कि आप मुझे डीजा लोग दे दो नहीं तो मैं आपका नंबर वायरल कर दूंगा। तो ये क्या बोला है लाइव स्ट्रीम में एएस गेमिंग ने, पूरा रिकॉर्डिंग सुना है तो आप लोग सुन सकते हो एएस गेमिंग ने क्या सुना है। भाई मेरा नंबर कसम से ना बांट दिया भाई बहुत ज़्यादा, और यहीं के बंदे को बांटा है, मेरे एरिया के लोकल बंदे को। हाँ थाने में जाके रिपोर्ट कराऊंगा सीधा। भाई बंदा मेरे को पता है क्या वॉइस मैसेज भेज रहा है एक मिनट को। ओए मेरे को फोन कर लो नहीं तो मैं, मेरे को आप आलोक तो देने, जो आप कुछ नहीं करोगे ना मैं आपका नंबर सबको दे दूंगा कि देखो भाई इस गेमिंग का नंबर है, इस गेमिंग का नंबर है, नंबर लीक कर दूंगा आपका। और गाइस कल एस गेमिंग रात में लाइव मतलब लाइव आए थे इंस्टाग्राम में, तो उधर किसी ने पूछा कि आप टोटल गेमिंग के साथ कोलैब करने वाले हो कि नहीं। तो एस गेमिंग ने बताया कि तो मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सामने वाला घमंडी है या नहीं है ये तो पता नहीं है, तो वो करेगा तो मैं तो, मेरे में कोई भी घमंड नहीं है। तो इसके बारे में एस गेमिंग ने क्या बोला आप लोग सुन सकते हो। आप टोटल गेमिंग के साथ अरे ब्रो कोलैब ऐसे नहीं होता ना ब्रो, जब दोनों बंदे आमने सामने से बात करते तभी होता है ना। अब हम तो घमंडी नहीं है पर यार अब हर बंदा ऐसा थोड़ी ना है कि वो सब छोड़ो यार। तो गाइस नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रहा है वो है बांग्लादेशी यूट्यूबर इट्स कब्बू की तरफ से। तो इट्स कब्बू ने एक वीडियो डाला जिधर दिखाया कि पाकिस्तानी कुछ प्लेयर आके उसके मतलब लैंग्वेज को, बांग्ला लैंग्वेज को कुछ वाला बुरा बोल रहे और उसके साथ कस्टम खेला है, फिर कस्टम में कौन जीता ये आप लोग वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं उसका छोटा सा क्लिप आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और गाइस बांग्लादेश से कोई भी न्यूज़ आपको मिले तो प्लीज़ यार मुझे इंस्टाग्राम में डाल देना, vision_yt1999 मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, तो मैं चेकआउट कर लूँगा क्योंकि बांग्लादेश से उतना यूट्यूबर को मैं नहीं देखता, कुछ गिने चुने यूट्यूबर को ही देखता हूँ। तो अगर आपको बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, बांग्लादेश यूट्यूबर से रिलेटेड, तो प्लीज़ बता देना यार, मैं डालने की कोशिश करूंगा। तू कस्टम बना, तुझे मैं बताता हूँ कस्टम बना जरा। भाई कस्टम में क्या उखड़ लोगे, भाई क्या उखड़ लोगे, ये बोल रहा है ना बांग्लादेश सब बता देगा तेरे को, कस्टम में पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट स्ट्रीम में। आप आ जाना शाम के, हम लोग स्ट्रीम करते हैं रोज, तो प्लीज यार आ जाना, सब लोग एक साथ खेलेंगे मजे करेंगे। और चलो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे कीजिएगा। तो स्टे हाई विद विजन, बाय टाटा बाय।